दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। कोटा'स हॉन्टेड पैलेस, ब्रिजराज भवन। कोटा इंडिया की एक ऐसी जगह है जिसका नाम शायद ही किसी इंडियन ने ना सुना हो। कोटा आईआईटी की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा हब है, लेकिन इसके साथ साथ कोटा में कई राज भी छुपे हैं। कोटा में एक ऐसा पैलेस है जिसे लोग भूतियां मानते हैं। कोटा का ब्रिजराज भवन पैलेस आज से लगभग 200 साल पुराना है, जो अब एक होटल की तरह यूज किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि यह पैलेस देखने में जितना खूबसूरत और शानदार है, इसकी कहानी उतनी ही भयानक है। लेकिन कोटा के एक कॉलेज में पढ़ रहे मोहन को इसका अंदाजा नहीं था। मोहन हिस्ट्री का स्टूडेंट था, और अपने प्रोजेक्ट के लिए मोहन को किसी 3 हेरिटेज बिल्डिंग्स पर रिसर्च करनी थी, और मोहन ने उनमें से एक हेरिटेज बिल्डिंग चुनी, कोटा का ब्रिजराज भवन पैलेस। और शायद उसकी यही भूल उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। रिसर्च के लिए स्पेशल परमिशन लेकर एक शाम वो अपनी दोस्त और प्रोजेक्ट पार्टनर शिखा के साथ ब्रिजराज भवन पैलेस पहुंच गया। वैसे तो मोहन के कोटा में रहने वाले एक दोस्त ने उसे बताया था कि ब्रिजराज भवन पैलेस हॉन्टेड माना जाता है, और उन्हें रात होने से पहले वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन मोहन इन सब चीजों में नहीं मानता था। जब मोहन और शिखा वहां पहुंचे, तो वो पैलेस बिल्कुल बाकी पैलेसेस की तरह नॉर्मल लग रहा था। पत्थर से बनी हुई दीवारें, बड़े बड़े गार्डन्स और खूबसूरत नक्काशी। मोहन और शिखा पैलेस की रिसर्च में इतना बिजी हो गए कि रात कब हुई उन्हें पता ही नहीं चला। वो दोनों पैलेस से बस जाने ही वाले थे कि मोहन को पैलेस के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक बहुत ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो वहीं रुक गया और उस कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। मोहन को अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई उस कमरे के अंदर बैठकर रो रहा है। मोहन शिखा की तरफ मुड़ा, पर शिखा वहां नहीं थी। उसके साथ चलते चलते अचानक से शिखा कहीं गायब हो गई थी। उधर अंदर से आ रही रोने की आवाज एकदम से तेज होने लगी। मोहन को अब हल्की हल्की घबराहट शुरू हो गई थी। वो शिखा को पुकारने लगा। उसकी आवाज पूरे पैलेस में मानो गूंज रही थी, लेकिन शिखा का कोई नामो निशान ही नहीं था। अब उस कमरे से आ रही रोने की आवाज और तेज हो गई। मोहन को ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी दर्द में गुर्रा रहा है और जोर जोर से रो रहा है। मोहन कांपते हुए दरवाजे के पास गया और उसने अपना कान दरवाजे पर लगा लिया, लेकिन तभी एकदम से वो रोने की आवाज बंद हो गई। उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था, तो मोहन दरवाजे पर लगी खिड़की से अंदर झांकने लगा, लेकिन अंदर उसे कोई इंसान नहीं दिख रहा था। वो वहां से जा ही रहा था कि अचानक वो बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। मोहन को कुछ समझ नहीं आया कि अभी जिस दरवाजे पर ताला लगा था वो अपने आप अचानक कैसे खुल गया। मोहन हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर चला गया। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक रोटेटिंग चेयर पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा है, जिसकी पीठ मोहन की तरफ है। उस आदमी ने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म। मोहन ने देखा कि वहां वही आदमी बैठा रहा है। मोहन ने उसे आवाज लगाई, उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन हिम्मत करके उसके पास गया, और उसने जैसे ही उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा, मोहन का हाथ उसके शरीर के आर पार हो गया। तभी अचानक उस आदमी की गर्दन अपने आप पूरी उल्टी हो गई। उसकी एक आंख फूटी हुई थी और दूसरी आंख बिल्कुल सफेद थी। ऐसा लग रहा था
कि उसका पूरा चेहरा सड़ चुका है। वो अचानक रोते रोते रुक गया और इंग्लिश में अजीब अजीब सी कमांड्स देने लगा और फिर उसके तुरंत बाद एक अजीब ढंग से हंसने लगा। ये सब देखकर मोहन बहुत ज्यादा डर गया। वो सीधा दरवाजे की तरफ भागा पर दरवाजा बंद हो चुका था। मोहन उसे खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी मोहन ने देखा कि वो भयानक आदमी उसके ठीक सामने खड़ा था और उसके हाथ में राइफल थी जिसे उसने मोहन पर तान रखा था। कमरे की सारी लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगी। मोहन अब बिल्कुल सुन पड़ गया था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन नजदीक आ गया है। वो आदमी जोर से चिल्लाया और उसने अपनी राइफल चला दी। एक बहुत तेज आवाज हुई और मोहन चीख उठा। तभी अचानक मोहन को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका कंधा पकड़ा है और उसका नाम पुकार रहा है। उसने आंखें उठाकर देखा तो सामने शिखा बैठी थी। वो मोहन को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। ये देखते ही मोहन एकदम हैरान रह गया। उसने आसपास नजर घुमाई तो सब वैसे का वैसा ही था। उस रूम पर ताला लगा था और अंदर कोई भी नहीं था। शिखा ने मोहन को बताया कि वो पिछले 15 मिनट से बिना कुछ बोले उस कमरे की तरफ देखे जा रहा था और फिर अचानक चीख के नीचे गिर गया। मोहन को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ था और शिखा उसे क्या बता रही है। उसे कुछ देर के लिए लगने लगा कि शायद वो हैलुसिनेट कर रहा था, लेकिन फिर बाद में शिखा ने जो उसे बताया उसे सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिखा ने बोला कि जिस कमरे के बाहर मोहन जमकर खड़ा हो गया था उस कमरे के अंदर कोई अंग्रेज आदमी यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। उस आदमी ने अजीब सी पुराने जमाने की ब्रिटिश इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो थोड़ी देर मोहन को दरवाजे के ऊपर लगी खिड़की से देखता रहा और फिर जब वो वापस अंदर चला गया तब मोहन अचानक चीखने लगा। ये सुनने के बाद मोहन समझ गया कि जो उसके साथ हुआ वो कोई हैलुसिनेशन नहीं बल्कि एक ऐसा डरावना सच था जो किसी की भी जान निकाल सकता था। जब मोहन ने इस पैलेस के बारे में और पूछा तो उसे पता चला कि इस पैलेस में एक ब्रिटिश आर्मी का टॉप ऑफिसर रहता था जिसे ये पैलेस बहुत पसंद था, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इंडियन सोल्जर्स ने इस पैलेस में घुसकर उस ब्रिटिश जनरल को मार दिया था। कहते हैं कि आज तक उस ब्रिटिश ऑफिसर की आत्मा ब्रिजराज भवन पैलेस को हॉन्ट कर रही है और अपना बदला लेने का वेट कर रही है। यूं तो माना जाता है कि वो भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर कई लोगों ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को वहां अलग अलग चीजें करते देखा है। वहां के कई वॉचमैन ने यह भी बताया कि ड्यूटी करते टाइम कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थप्पड़ मार देती थी और तो और इंग्लिश में उन्हें ऑर्डर्स भी देती थी। उस रात के बाद मोहन फिर कभी उस पैलेस के आसपास भी नहीं गया। उसके साथ जो भी उस रात हुआ शायद ही मोहन उसे कभी भुला पाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जाना पसंद करोगे कोटा के ब्रिजराज भवन पैलेस में? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।